दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि घर बैठे FSSAI लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गूगल पर आ जाते हैं और टाइप करते हैं POSCOS, और POSCOS टाइप करने के बाद यहाँ पे एंटर हिट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये POSCOS की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। हम भी इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शंस दिखेंगे, जहाँ पे आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अगर आपको अर्जेंटली लाइसेंस की ज़रूरत है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। थर्ड वन है अप्लाई फॉर रिन्यूअल विदाउट साइनिंग, और फोर्थ है मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको अभी तत्काल में ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की, इसीलिए हम अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे भी आपके सामने चार ऑप्शंस है। यहाँ पे लिखा है तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जनरल, थर्ड ऑप्शन है रेलवे स्टेशन। आप देखेंगे प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारे जो कैंटीन वेंडिंग मशीन्स होते हैं उसके लिए, और चौथा है एयरपोर्ट और सी पोर्ट, मतलब जहाँ हवाई अड्डा है और जहाँ पानी का जहाज और ये सब होते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करें। तो हमको सिंपली जनरल पे ही बनाना है, तो हम यहाँ पे जनरल पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करेंगे। अब आपका कौन सा स्टेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। जैसा मेरा है उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद सेलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस, तो इसमें मैन्युफैक्चर है, ट्रेड रिटेल है, फूड सर्विसेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है, हेड ऑफिस है। तो मेरा क्या है कि फूड सर्विसेज है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड सर्विसेज में और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पेटी रिटेल ऑफ स्नैक टी शॉप, ठीक है, हॉकर, मोबाइल फूड वेंडर, जो आप देखे होंगे कि गाड़ी में मतलब वाहन सहित आप अपने फूड्स को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के लिए है, फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, क्लब एंड कैंटीन है, केटरर है, होटल है, मिड डे मील है, केटरर और मिड डे मील है कैंटीन। तो हमारा क्या है कि फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो हम इसको एक सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, टर्नओवर मोर देन 12 लाख एनम और टर्नओवर अप टू 12 लाख एनम, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि सेकंड वाले पर यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद दूसरा हमारा एक और है, जैसे ये तो फूड वेंडिंग का हो गया, दूसरा है हमारा क्लब भी है, मतलब कैंटीन है सॉरी। तो यहाँ पे कैंटीन, जैसे हॉस्पिटल में कैंटीन होते हैं, स्कूल्स में कैंटीन होते हैं, तो हमारा ये हॉस्पिटल है कस्टमर का, तो ये हम क्लब को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लब ऑब्लिक कैंटीन को। अब इस पर भी हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद अब हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू एलिजिबिलिटी का इंटरफेस ओपन हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है, जहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट और कंपनी, तो आप मतलब कस्टमर का नाम या अपना नाम फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन, तो वहाँ पे वो क्या है डेजिग्नेशन उनका क्या है, तो वो जैसे कंपनी के पार्टनर है, तो यहाँ पार्टनर पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस वेयर फूड इज लोकेटेड, फूड बिजनेस इज लोकेटेड सॉरी, जहाँ पे आपका फूड बिजनेस का लोकेशन है,
वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। तो जो एड्रेस है वो आप फिल करेंगे और स्टेट ऑटोमेटिक पेज कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट आप अपने अकॉर्डिंग पेज फिल कर लेंगे, जैसे मेरा वाराणसी है। सब डिवीज़न स्टेशन, तो यहाँ पे जो सब डिवीज़न है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा तो वाराणसी तहसील है इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे आएगा विलेज, तो यहाँ पे जो विलेज है हम इसको सेलेक्ट करते हैं वाराणसी सीबी, ठीक है, और पिन कोड हम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट लैंडमार्क, मतलब जो सबसे फेमस जगह होता है, जैसे या तो जैसे हमारे यहाँ जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, तो ये हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हैं, ताकि मतलब लोगों को ईजली वहाँ पे मतलब पहुँचने में आसानी। तो अब यहाँ पे पैन नंबर पूछ रहा है, तो अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। इज योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस, यस और नो? तो अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जैसे जो आपका फूड बिजनेस का लोकेशन है, क्या वो सेम आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं? तो अगर यस है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नो है तो आप नो पे। जैसे मतलब हमारा फूड बिजनेस कहीं और है, रहते हम कहीं और है, तो उस केस में हम नो पे चूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेट है वो ऑटो पेज नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और जो हमारा सब डिवीज़न है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो सेलेक्ट विलेज है वो भी हम इसी प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये है कि बस ये सारे चीज़ें डिटेल तो सेम है, लेकिन बस जो एड्रेस है, जैसे ये समझ लीजिए 1 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेंगी ना, इसीलिए ये मत समझिएगा कि हमने ऊपर का जब ये हमें भरना ही था तो हम यहाँ पे क्यों लेकर आए, ठीक है, कि मतलब जैसे जब सारा डिटेल एज अबव भरना था तो हम इसको नो करके क्यों भरें, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बस जैसे अगर आपका 15 कदम के दूर पे भी बिजनेस है और एड्रेस अलग अलग है तो आप ऐसा फिल करेंगे अलग अलग, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल में आप फिल करेंगे, टेलीफोन नंबर अगर है तो आप फिल करेंगे, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, फैक्स नंबर है तो फिल करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। ईमेल आईडी फिल करेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन फिल करेंगे, जैसे इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन, जैसे मान लीजिए हमने कहा ना कि एज अब कि आप कंपनी का नेम भी फिल कर सकते हैं और किसी व्यक्ति का नाम भी, किसी पर्सन का नाम भी फिल कर सकते हैं। तो अब जैसे ये कंपनी का है, कंपनी के द्वारा ये भरा जाना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डायरेक्टर है उनका हम यहाँ पे नाम फिल करेंगे, पार्टनर जो हैं, और जो सबसे अबव ऊपर है वहाँ पे हम फिल करेंगे आपका यहाँ पे कंपनी नेम, जैसे यहाँ पे कंपनी नेम है यामिनी इनोवेशन LLP, तो हम ये कंपनी नेम फिल कर देते हैं। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन है, यहाँ पे जो मैम है उनका नाम हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, ये हमारे पार्टनर है और ऊपर कंपनी का नेम है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों कि पेज डाउन करते हैं, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर to 5 ईयर तक के लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें 1 ईयर के लिए अप्लाई करना है, तो हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछ रहा है अदर देन मैन्युफैक्चरर यूनिट नेम ऑफ द फूड कैटेगरी। तो यहाँ पे आपका क्या क्या फूड कैटेगरी का है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट एंड एनालॉग्स, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव एंड ऐड। और क्या क्या है वो भी आप इसमें ऐड कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो मेरा दूसरा है प्रिपेयर फूड, ठीक है, ये प्रिपेयर फूड है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और तीसरा है हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं रेडी टू ईट सेवियर्स, ठीक है। अब हम इस तीनों को ऐड कर लेते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे पेज डाउन करके आते हैं, FSM नंबर अगर है तो आप फिल करेंगे, अदरवाइज आप छोड़ देंगे। अदर डिटेल इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेंट डेट ऑफ स्टार्ट, मतलब आपका ये जो फूड बिजनेस है वो कब से स्टार्ट होने, तो यहाँ पे आप वो डेट फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा इस समय 12 अक्टूबर चल रहा है, तो मान लीजिए 30 से स्टार्ट होगा, ठीक है, या 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, तो हम ये फिल कर लेते हैं, 10-15 दिन का गैप रखते हैं। अब यहाँ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, तो यहाँ पे पब्लिक है, प्राइवेट है, अदर्स है, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है हमारा प्राइवेट है, जैसे बोरवेल है हमारे यहाँ, 300 फीट अंडरग्राउंड वाटर आता है, सप्लाई होता है, तो इसीलिए हम प्राइवेट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स, तो यहाँ पे हम सिंपली नो पे रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है, तो अब हम सिंपली यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ साइन अप डिटेल्स, ठीक है, तो यहाँ साइन अप डिटेल में जैसे आप क्या कैसे साइन अप करेंगे, ठीक है, मतलब लॉग इन करेंगे फ्यूचर, तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे अपना डिटेल फिल करेंगे। और अगर सेकेंडरी पर्सन का भी डिटेल है यहाँ पे, आप अगर चाहें कि सेकेंडरी पर्सन को भी अथॉरिटी दें, तो वो यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्टेक्ट डिटेल में भी आप उनका फिल नेम फिल कर देंगे या डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद लॉग इन क्रीडेंशियल्स, यहाँ पे लॉग इन करेंगे, पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करें। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे फिल करना है। ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके मोबाइल पर ये OTP नहीं आता है, तो आपके ईमेल ID पे तो जरूर आएगा। अब हम यहाँ पे OTP फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ, जहाँ यूजर साइन अप सक्सेसफुली, ये आपका लॉगिन ID है, और इसी को आपको सेव करके नोट डाउन करके रख लेना है, और यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड का इंटरफेस ओपन हुआ है, जहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करेंगे, जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं आधार कार्ड। उसके बाद थर्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे कि साथ में कुछ और भी नोट लिखे हुए हैं, अपलोड स्टेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इन दिस सेक्शन, मैक्सिमम ऑफ 15 documents can be uploaded. If you have documents more than 15, then please merge your document and upload it. ठीक है, मतलब जो इसमें document upload कर सकते हैं हम 15 documents को upload कर सकते हैं। अगर 15 documents से भी आपके जो है वो अधिक हैं, तो उसको आप merge करके भी upload कर सकते हैं। और साथ में तीसरा लिखा है you have upload 0 out of 15 डॉक्यूमेंट, तो अभी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, तो इसीलिए शायद यहाँ पे जीरो दिख रहा है, अब तो वो अपलोड करने के बाद ही हम देखते हैं। और यहाँ पे साथ में डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस, ठीक है, दूसरा है हेल्थ NOC, तीसरा है एनी अदर डॉक्यूमेंट, चौथा है NOC बाई म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, ठीक है, पांचवा है फोटोग्राफ ऑफ द यूनिट, एंट्रेंस ऑब्लिक फ्रंट फेसिंग एंड ऑफ द यूनिट, ठीक है,
और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। तो ये हमारा तो है नहीं, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस में जैसे आप अगर मान लीजिए आपका ओन है जहाँ पे आप चलाते हैं, तो आप येलो कार्ड या नगर निगम का जैसे रिसिप्ट होता है, बिल होता है, तो बिल कॉपी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपने कहीं रेंट पे लिया है तो आप उनका जो नगर निगम का येलो कार्ड है या बिल रिसिप्ट है नगर निगम का जो जिसपे हाउस का इंफॉर्मेशन हो, तो वो आप प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस में लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा हम सेलेक्ट करते हैं फोटोग्राफ ऑफ द यूनिट। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो फ्रंट, मतलब जब आपका जो एंट्रेंस है किचन या फूड वेंडिंग का, तो उस हिसाब से फोटो क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपका जो किचन है वो आपका फोटो आ जाए। और तीसरा सेलेक्ट कर लेते हैं एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसको हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये यहाँ पे पहले हम टाइप कर देते हैं वाटर रिपोर्ट, ठीक है। तो जैसा कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है प्राइवेट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, हमने प्राइवेट सेलेक्ट किया है, और हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो वाटर सोर्स सप्लाई है वो बोरवेल के थ्रू है, ठीक है। तो इसीलिए हम वाटर रिपोर्ट यहाँ पे को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये बिना इसके आपका लाइसेंस बन जाएगा FSSAI, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। तो आपको ये वाटर रिपोर्ट लगानी ही लगानी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते तो ये आपका जो ऑब्जेक्शन में आपका बार बार ये ऑब्जेक्शन आएगा कि आप वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जरूर लें। तो चले जाते हैं हम अपना वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो अपलोड के लिए। सबसे पहले हम चले आएंगे जो वहाँ पे हमारा फाइल रखा हुआ है, वहाँ पे हम इसको अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, इस प्रकार का आपका नोटिफिकेशन आएगा टॉप राइट कॉर्नर पे। तो इस तरह हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम सिंपली यहाँ कंसेंट चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड पूछ रहा है। तो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रिजर्व पे और पे बाय यूज जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका GST नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपका जो फॉर्म भर रहे हैं आप वो कहीं डिटेल मतलब कहीं मिस हो गया हो, तो आप यहाँ से सिंपली चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म डाउनलोड होने को कह रहा है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। अब हम ये पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक रहने देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे OTP आएगा। अब यहाँ पे OTP फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन होता है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमको ये पेमेंट नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये अप्लाई कर चुका है, और हमको लाइसेंस सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद ही ये हमने आपको ये तरीका बताया है कि इस तरह आप FSSAI लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑलरेडी रिसिप्ट रखा हुआ है, यहाँ नेम यहाँ पे देख सकते हैं यामिनी इनोवेशंस LLP, ये हमने पहले ही बना रखा था। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे रिजर्व पे, और ये जो रिसिप्ट कटती है 100 रुपीज की आपकी डिडक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपये का हमने यहाँ पे इसको पेमेंट किया हुआ है। अब पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक और आता है फॉर्म,
वो है देखिए यहाँ पे फॉर्म ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सारा डिटेल फिल किया हुआ है कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट और कंपनी, तो यमनी इनोवेशन LLP जो कंपनी का नाम है, और यहाँ पे बाकी सब चीजें सेम भरी हुई हैं। एड्रेस ऑफ फूड बिजनेस, तो एड्रेस ये अलग है। और साथ में अगर हम पेज डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर कि यहाँ पे ये एड्रेस अलग है। भले ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब सेम है, लेकिन एड्रेस दोनों अलग अलग है। और भी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टेक्ट पर्सन है वो यहाँ पे हमारे जो कस्टमर मैम है, तो वो यहाँ पे उनका डिटेल फिल किया गया है, ठीक है। और ये सभी डॉक्यूमेंट जो अपने डिटेल फिल करने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने रिसिप्ट डाउनलोड होगा और ये फॉर्म आपके सामने डाउनलोड होगा। अब कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो आप लॉगिन करके देखेंगे कि आपका लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपका लाइसेंस उसमें नहीं मिलता है तो हो सकता है कि ऑब्जेक्शन आ जाए। तो उसमें ऑब्जेक्शन रीजन लिखा होता है कि आप क्या डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए कि जिससे कि आपका ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाए, ठीक है, तो जाके आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको FSSAI लाइसेंस मिल जाती है, ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपका जो FSSAI लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है, तो आप इसको जब रिन्यू कराने जाते हैं तो रिन्यू कराने की भी वैलिडिटी होती है 180 डेज, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक टर्म है कि अगर आप 150 डेज के अंदर कराते हैं, मतलब 5 महीने के अंदर कराते हैं, तो आपको सिर्फ 100 रुपये, 150 रुपये जो चार्ज लगता है, सिर्फ वही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 150 डेज से अधिक ऊपर जाते हैं, मतलब 5 महीना बीत गया और आप 6ठे महीने में अप्लाई करते हैं, तो आपको जितना आप लेट करेंगे उतने उस हिसाब से पर डे के हिसाब से 100 रुपये फाइन लगता जाएगा, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और दूसरा एक ये भी है कि अगर आप 180 डेज भी ओवर कर दिए, क्रॉस कर दिए, और उसमें भी आप लाइसेंस रिन्यू नहीं कराएं, तो आपका लाइसेंस जो है मिला हुआ वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लाइसेंस के लिए, तब आपको फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।